वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने जो कुआला पुल है उसका नाम चेंज करके एक पीर साहब है उनके साथ मंसूब कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब हैं, आप भी पीर भाई मालूम होते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे पुल बनवा कर यहाँ पे आप अपने किसी भी मजहबी पीर साहब का जो भी नाम आप रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। नाम रखने की बात होती तो वो जो कुआले का पुल था वो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने बनाया था। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर हाशमी, आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास हाशमी साहब जिन्हें उर्फ आम में कश्मीर का शेख रशीद कहा जाता है। शेख साहब, अभी हम लोग हाड़ला शरीफ में मौजूद हैं जो चमियाटी का हिस्सा है, तो ये पुल आपके सामने है जो आवाम ने खुद बनाया है। जी जी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पुल है इसके 2 से 3 बार पैसे लेके लोग खा चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर साहब, ये एक बड़ा दरीना मसला है। जब हम बचपन में यहाँ से हम आते थे तो यहाँ पे 2 बत्ते लगे होते थे वहाँ पे लकड़ी के, तो वो कई बार यहाँ से चले गए। अब तो बारिशों की कमी की वजह से यहाँ पे नाला इतना नहीं चढ़ रहा है, तो ये इतनी बारिश नहीं होती तो यहाँ पे ये पानी नहीं है। तो जब ये पहले दौर में बारिशें होती थी तो ये यहाँ से नाला ऊपर से जाता था। ये बड़ा कदीमी मसला है, यानी ये जिस तरह आप इसको मसला है कश्मीर समझते हैं ना, इसी तरह ये पुराना मसला है। तो ये किसकी तरफ है हमें इसकी तवज्जो दिला सकते हैं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आप सवाल दोबारा करें, मुझसे बात करें, MLA साहब से करें, किससे करें कि किस आपके फंड के पैसे किधर गए, कि कितनी दफ़ा ये मंजूर हुए हैं और कागजों में शायद ये पुल बन गया होगा या यहाँ पे अवामी आदमी है। हाँ। आप हमें बताएं ये पुल कैसे बनेगा, ये पुल किस तरह बन सकता है? अब हम ये आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसे अपील कर सकते हैं। वज़ीर आज़म जो हैं हमारे बड़े तनवीर इलियास साहब हैं, बड़े रहम दिल आदमी हैं, वो मैंने उन्हें आगे पीछे देखा है, वो ऐसे नेकी के काम जो हैं आजकल कर रहे हैं, तो ये सवाब दारैन हासिल कर सकता है। कोई भी इदारा है, कोई वजारत है, कोई लोकल गवर्नमेंट, जिसके पास कोई इतना फंड है कि जो राय खुदा में खर्च करना चाहता है और कार खैर के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इन्होंने अपने जो है ख़ुद यहाँ पे बनाया हुआ है और ये भी काफ़ी ज़्यादा देर तक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर नाला उसी तरह चढ़ा तो ये इतनी मजबूती में नहीं है, तो अगर कोई भी मुखय्यर लोग हैं उनसे भी अपील की जा सकती है कि वो यहाँ पर नाले पर जो है छोटा पुल बनवाएँ, ताकि यहाँ की काफ़ी गैरवपुर गाँव है और चमेटी से लियाँ से रबता है, आए दिन यहाँ से आना जाना रहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने जो कुआला पुल है उसका नाम चेंज करके एक पीर साहब है उनके साथ मंसूब कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे और भी काम बहुत हैं जो करने वाले हैं, तो उनको चाहिए है कि इस तरह की जगह देखें, जैसे मैं उनकी तवज्जो यहाँ पे दिला रहा हूँ कि ये चमनकोट के साथ है लियां गांव है और इसके साथ चमेटी और संगोड़ बिठारे का ये लिंक सबका रास्ता है, जहाँ से लोग ये सौदे वगैरह लेकर संगोड़ जाते थे। तो ये जो मेन पुल है यहाँ पे आप आएँ और अपनी जो है पावर शो करें और अपना ख़र्चा करें, और यहाँ को एक तो आपको सवाब दारैन भी हासिल आप कर सकते हैं, आप भी पीर भाई मालूम होते हैं और यहाँ पे भी आप किसी भी अपने पीर साहब का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कुआले के अलावा यहाँ भी आप नया पुल बना के नया नाम भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और इसमें आपकी शोहरत में भी इजाफा होगा और अल्लाह ताला की नज़र में भी आपको जो है मकाम मिलेगा कि ये मखलूक एक अरसे से बहुत परेशान है, तो यहाँ पर अगर पुल बन जाए तो हम जो है आप की सेहत याबी और आपकी आइंदा जो है हुकूमत के लिए भी हम दुआगो रहेंगे। अच्छा, अगर नाम रखने की बात होती तो वो जो कुआले का पुल था वो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने बनाया था, वो अपने नाम पे भी उस पुल को मंसूब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की है, तो उसका नाम है ख़त्म करके आपने वहाँ पर पीर साहब का नाम पर वो रखा है, तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर पुल बनवा कर यहाँ पर आप अपने किसी भी मजहबी पीर साहब का जो भी नाम आप रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये है हमारी इस यहाँ पे दाद रसी करेंगे। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर हो जाए। हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका।